दोस्तों, मेरा नाम अंकित, आप देख रहे हैं एचडी पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। यानी दोस्त, ये टॉपिक आपकी हो सकती है नाइन्थ में है, टेंथ में हो सकती है, इलेवन ट्वेल्थ पॉलिटेक्निक आईटीआई कहीं भी हो, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और ऐसा जानना चाहते हैं कि एक बार जानने के बाद कभी ना भूल पाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक सिर्फ देखिएगा। दोस्त, इस वीडियो में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए जो इसको भूल नहीं जा सकता, भूला भी नहीं जा सकता। साथ में इसकी दीवा मात्र सब कुछ ए टू जेड इसके बारे में बताया जाएगा सिर्फ आने वाले 10 मिनट में। 10 मिनट इस वीडियो को थोड़ा टाइम दीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। दोस्त, ये जो नियम है इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को, न्यूटन ने क्या बताया है, कैसे इस नियम को हम क्लियर करेंगे और समझेंगे। देखिए दोस्त, न्यूटन ने जो हमें बताया है ना, उन्होंने बताया कि कोई दो कण हो, कोई दो पिंड हो, वो दोनों हमेशा आकर्षित करते हैं। मान लीजिए मेरा ये मार्कर है और इसका एक कैप है, दोनों आकर्षित कर रहे हैं, बट ये जो है ना, कैसे इसी के बारे में जो कैपिटल जी आता है, इसको जब याद करते हैं गुरुत्वाकर्षण दोस्तों, वो जी होता है, कैपिटल जी, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसी का हम ज्ञात करने वाले, इसी को गाय। तो चलिए देखते हैं कैसे इसके बारे में क्या न्यूटन ने बताया। दोस्तों, न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को आकर्षित करते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो आपने समझ गए, इसे गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। बट अब इसके बाद देखते हैं इनके पूरे नियम को कैसे, मतलब निगमन करते हैं, कैसे आएगा हमारा जी में संबंध जो भी है, इसके बारे में आगे देखते रहिए वीडियो को, तो बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, इतना तो आपको पता ही चल गया ये क्या है। अब देखिए दोस्तों, न्यूटन की नियमानुसार क्या कहा जाता है, इसके बारे में क्या राय दी है उन्होंने इस नियम को ज्ञात करने के लिए। उन्होंने बताया दोस्तों, माना जो दो कण है ना, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले, या कणों के बीच भी कह सकते हैं, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उन दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए देखते हैं इसको लिख कर पूरी तरीके समझते हैं कि है क्या आखिर में। पहले नियम ने उन्होंने बताया कि दो कण जब यूं है तो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है, यफ होता है। यानी देखिए, यफ अनुक्रमानुपाती यमोल यमटू, पहले नियम। दूसरे नियम में बताया कि जो इसके बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। ये देखिए, इन्होंने दोस्तों दो नियम बताए हैं, और इन दोनों की जो दिशा होती है मिलाने वाली, इन दोनों के कणों के बीच मिलाने रेखा के अनुदिश होती है, यानी एक ही दिशा में होती है। तो इस दिशा में दोस्तों हमने इतना समझ चुके हैं, अब आइए देखते हैं इसको नियम से। दोस्तों, बताना तो सभी बता देते हैं, बट कोई लिखना नहीं बताता आपको कैसे लिखना चाहिए। साथ में हम इसके बारे में आपको लिखने की भी पूरी नॉलेज देंगे, जानकारी देंगे इस वीडियो की, आप लिख कैसे सकते हैं। आपको अगर बोर्ड में आ गया, कहीं भी आ गया, तो आप इसके बारे में लिख कैसे। हालांकि जो टॉपिक है नाइन्थ में, मैंने अभी बुक फिलहाल में जल्दी में देखा तो उसमें दिया गया है, जबकि जो 2019 का सिलेबस आया है, इस 2018-19 में इस सिलेबस में उसमें टॉपिक आ गई है। पहले टेंथ में पढ़ा जाता था, यदि आप पॉलिटेक्निक आईटीआई में, तो उसमें भी ये टॉपिक मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों नियमों को। अगले स्टेप में दोस्तों लिखते हैं कि दोनों नियमों को मिलाने पर, इन दोनों नियमों का इक्वेशन एक या दो भी मान सकते हैं, या नीचे सीधे लिख सकते हैं, दोनों नियमों को मिलाने पर लिखेंगे क्लाइन दोनों नियमों को मिलाने पर। जैसे दोस्तों हम मिलाते हैं दोनों नियम को, देखिए दोनों एक पक्ष की समान, तो एक ही बार यह लिखेंगे, प्रोपोर्शनल लगाएंगे यानी अनुक्रमानुपाती लगाएंगे, और इसको लिख देंगे यानी यम वन यम टू अपान आर स्क्वायर। ये देखिए गाइस हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, यह
ये देखिए दोस्तों आपका आ गया गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने दोस्तों यही बताया था इसी कैपिटल जी की हमें पड़ताल करनी थी, इसी कैपिटल जी को खोजना था हमें, हमने ज्ञात किया नियम से कितना आसान ट्रिक से। इससे सरल दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता, जितना तरीके से ना सरल तरीके से ए आ जाता है। अब इसकी दोस्तों अब देखेंगे, इतना तो हम समझ चुके हैं कैपिटल जी ये फार्मूला आता है, मात्रक बल है दोस्तों तो न्यूटन हो जाएगा, मात्रक न्यूटन, इतना कंप्लीट है दोस्तों। अगली स्टेप में देखते हैं जी की, इस जी की दोस्तों ये बीमाहीन नियतांक नहीं है, इसका मान होता है, इसकी बीमा होती है, इसके मात्रक होते हैं। अब चलिए उसको देखते हैं क्या होता है जी का मान। देखिए दोस्तों जी का मान पहले इसी में बता देता हूँ, फिर आगे जी का मात्रक और बीमा निकालेंगे। चलिए देखते हैं जी जो होता है इसका मान जो होता है जी का मान, जी का मान दोस्तों होता है ये होता है 6.67 गुणे 10 घाते माइनस 11। मात्रक इसका होगा दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। जी का मान हमें पहले ही पता है दोस्तों। इसमें एक बात विशेष में बताने वाली है क्या है कि जो जी होता है ना ये हर कण के बीच या पिंड के बीच कह लीजिए कार्य कर रहा है, जैसे दो चीजें हैं एक मार्कर मेरा एक इसका पैप है, दोनों के बीच में कार्य कर रहा है। बट है क्या कि ये दोनों जी का मान देखिए -11 इतना कम है ना कि हमें आभास नहीं हो रहा है। जो हमारी सूर्य सूर्य के प्रति हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है इसी से वो प्राप्त होता है उसका अभिकेंद्र बल। चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है इसी से प्राप्त कर रहा है, इस जी से ही जो मान इतना कम ना इसी से प्राप्त कर रहा अभिकेंद्र बल। तो चलिए देखते हैं इसके मात्रक और बीमा को। दोस्तों चलते हैं वीडियो पर फिर से देखते हैं, यहाँ पर जी का मान और बीमा और मात्रक हमें निकालना है। इसके लिए दोस्तों जो हमें फार्मूला हमने ज्ञात किया उसी से हम इसकी कैपिटल जी जो आया था उसकी हम बीमा निकाल सकते हैं और साथ में उसका मात्रक मूल मात्रक भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। हम पहले फार्मूले को लिख देते हैं, एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर। दोस्तों ये फार्मूला होता है और जी जो होता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो ये आया है जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसी को 75 करके निकालें। इसको दोस्तों एक तरफ कीजिए जी को और सबको एक तरफ करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए कैपिटल जी एक तरफ करते हैं, ये देखिए यहां पर एफ की जगह चला जाएगा, एफ इंटू आई स्क्वायर बटे एम वन एम टू आ जाएगा, एम वन एम टू आ जाते हैं। चलिए देखिए जी की बीमा में पहले हमें बीमा निकालनी पड़ेगी, उसी से बीमा से हम मात्रक मात्रक को हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखिए यफ की देखिए हम बीमा पहले लिखते हैं, यफ की बीमा जो होती है यम या टी पावर माइनस टू होती है, ये होती है दोस्तों, ये देखिए आपकी यफ की बीमा में। और आर क्या है दूरी है, दूरी मतलब लंबाई है किसी यहां से जो दो पिंडों के बीच की लंबाई उसे यल से दर्शाते हैं, बट आर स्क्वायर है तो यल स्क्वायर इसकी हो जाएगी। यल स्क्वायर अब देखिए यम वन यम टू आपके द्रव्यमान है, इन दोनों को यम से दर्शा सकते हैं, यानी यम एक पिंड का हो गया और दूसरे पिंड का यम हो गया, ये देखिए कितना इजी तरीके से आपका हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे आपका जी का मात्रक और बीमा प्राप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, देखिए एक एम ऊपर है एक एम नीचे है, यहाँ पर कट जाएंगे सीधा सीधा दोस्तों। और देखिए यम है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे, यानी यम माइनस वन हो जाएंगे। दूसरे स्टेप में देखते हैं दोस्तों, यल यहाँ पर दो बार है और यहाँ पर एक बार, यानी यल क्यूब हो जाएगा। और अगला देखते हैं दोस्तों, टी है और कहीं मेरे पास टी नहीं तो टी के वैसे ही लिख देते हैं, यानी टी पावर माइनस टू। ये दोस्तों हो गई जी की बीमा, ये दोस्तों आगे जो आपकी जी की बीमा हम लिख सकते हैं, जी की बीमा बराबर जी की बीमा बराबर यम पावर माइनस वन यल पावर थ्री टी पावर माइनस, ये देखिए आपकी इसकी बीमा हो गई। अब दोस्तों इसी से मात्रक भी प्राप्त करते हैं। यदि आपको बीमा पता है किसी भी चीज की
उससे उसका मात्रक आसानी से बना लेंगे। चलिए जी का मात्रक को भी देख लेते हैं। ये देखिए इससे मिलाते हैं, देखिए किग्रा है प्रति किग्रा माइनस है तो प्रति किग्रा बोलेंगे, यानी किग्रा पावर माइनस वन। किग्रा पावर माइनस वन। एल है मीटर है, दूरी जो थी होती है यानी मीटर पावर थ्री। मीटर पावर थ्री। सेकेंड है प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा या इसी को लिख सकते हैं, वैसे लिखना चाहे सिंपल सा यहां पर लिख दे रहे हैं, समझ लीजिए इसी को किग्रा इस तरह लिख दे, किग्रा पावर माइनस वन। मीटर है तो मीटर का क्यूब हो जाएगा और सेकंड है सेकंड पावर माइनस टू हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। यदि अच्छे लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरीके से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो वीडियो नई आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।